जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर के विभिन्न भैरव मंदिरों में बुधवार को सुबह से देर शाम तक कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इसी कड़ी में पोलो ग्राउंड भैरव मंदिर पर विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, जहां कई आयोजन होंगे। भगवान शिव के अवतार काल भैरव या भैरव जी को एक अग्र देवता माना गया है। श्री भैरव बाबा शमशान में वास करते हैं और जगत के समस्त भूत के अधिपति भी माने जाते हैं। जब ज्योतिषी विद्या फेल हो जाती है तो पीड़ित श्री भैरव बाबा की शरण में आ जाते हैं। यह भी माना जाता है कि उनके बड़े बड़े भिगड़े काम भी सवर जाते हैं। शायद इसलिए श्री भैरव अष्टमी पर पूरे देश में भैरव भक्तों द्वारा अलग अलग तरह के आयोजन किए जाते हैं, बाबा की उपासना की जाती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर के विभिन्न मंदिरों में भैरव अष्टमी पर बुधवार को अल सुबह से ही विभिन्न तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं। शहर के पोलो ग्राउंड भैरव मंदिर पर सुबह से ही जहां हवन यज्ञ का अनुष्ठान संतों के सानिध्य में हो रहा है, तो वहीं उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर से आए पुजारी द्वारा भैरव बाबा का सिंदूर व अनमोल रत्नों से श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं मंदिर को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया है और साथ ही भैरव बाबा के भक्त यहाँ महाआरती के साथ महाप्रसादी का वितरण भी करेंगे। भैरवाष्टमी पे हमने सुबह से तैयारी की है, जिसमें सुबह 5 बजे से अभिषेक किया, 6 बजे आरती हुई, उसके बाद दूसरी आरती भोग की हुई, भोग की आरती 9 बजे हुई और शाम को 7 बजे महाआरती होगी। उसके बाद प्रसाद वितरण चलता रहेगा, सुबह 6 बजे से प्रसाद का वितरण लगातार चालू रहा। ये कौन सा भैरव मंदिर है और क्या मान्यता है यहाँ? ये काल भैरव मंदिर है और अहिल्याश्रम रोड के नाम से फेमस है। यहाँ जो भी मनसा पूर्ण काल भैरव मंदिर है, जो भी आदमी आता है और मनसा जो भी जिस चीज़ की मनसा करता है वो पूर्ण होती है। कितना पुराना मंदिर है ये? मेरे फादर और मेरे दादाजी तो ये सन क्या नाम से 45 के पहले से यहाँ पे मंदिर पे हैं। हम वैसे दर्शन आना तो डेली आना होता है, पर इस दिन विशेष साज उनका अच्छे से मनाया जाता है। जन्मदिन जी हम रेगुलर आते क्या हैं। कहेंगे इस मंदिर के बारे में? ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जो भी मनसा लेके आते हैं भक्तगण, उनकी सभी मनसा पूरी होती है।